मथुरा के वृंदावन में कोरोना महामारी ने न सिर्फ लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, बल्कि कोरोना कर्फ्यू के कारण भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन और उनके प्रमुख उत्सवों से भी वंचित किया हुआ है। इसी श्रृंखला में श्रद्धालु भक्त जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में 14 मई को अक्षय तृतीया पर्व का आनंद और साल में केवल एक बार अक्षय तृतीया पर्व पर होने वाले बांके बिहारी के चरण दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंदिर के प्रबंधक मुनीश कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के कारण मंदिर में आम भक्तों का प्रवेश प्रतिबंध होने के कारण भक्त ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। ठाकुर जी की भोग राग सेवा आदि सेवायत गोस्वामी द्वारा की जाएगी, यानी कि आम भक्तों के लिए कपाट बंद रहेंगे क्योंकि कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है और वृंदावन में कोरोना महामारी लगातार पैर पसार रही है। ऐसे में जो बांके बिहारी मंदिर के सेवादार हैं, सेवायत हैं, लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो बेवजह मंदिर ना आए और अपने घर पर रहकर ही बांके बिहारी को याद करें, उनकी उपासना करें और उनको याद करें। मथुरा से सुरेश सैनी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। बांके बिहारी जी मंदिर में अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है जी। कोविड संक्रमण काल को देखते हुए इस वर्ष भी पूर्व वर्ष की भांति आम दर्शनार्थियों का प्रवेश मंदिर में वर्जित रहेगा, किंतु ठाकुर जी की सेवा पूजा भोग राग इत्यादि की व्यवस्था सम्मानित गोस्वामी समाज द्वारा पूर्व की भांति की जाती रहेगी। ठाकुर जी की सेवा पूजा चंदन सेवा इतने इत्यादि में किसी प्रकार जो परंपरागत रूप से होता है सब वैसा ही रहेगा, लेकिन कोविड संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष आम दर्शनार्थी को प्रवेश मंदिर में वर्जित रहेगा। आम दर्शनार्थियों को होने वाली असुविधा के लिए इस वर्ष संकेत है, सभी भक्तजन अपने घर से ही ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने गंगोत्री अपनी अर्जी लगाएं। ठाकुर जी आप सबका कल्याण करें। जय गणेश जी।